मैं तो इतना क्रेज हूँ बॉलीवुड का, लेकिन ऐसी सी पिक्चर आएगी तो भाई फिर मेरे को साइन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उनका नाम अलाया फर्नीचर वाला है, बाकी हीरोइंस ना उनके सामने कबाड़ खाना है। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म, नाम है फ्रेडी, रिलीज हुई है। कार्तिक आर्यन को हम तो बोलते हैं बॉलीवुड का मसीहा। इस बार बड़े पर्दे पे नहीं आए, छोटे पर्दे पे आए, और हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब भाई। स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। इंट्रोडक्शन होने जा रहा है आपका सोलो रिव्यू के लिए। आप लोगों का बड़प्पन है भाई, इतना प्यार दिया आप लोगों ने, और अभी देखते हैं आगे प्यार मिलता है सबका। एब्सोल्युटली मिलेगा, सारी ऑडियंस से मिलेगा, जरूर जरूर। आपने देखी है फ्रेडी? फ्रेडी कार्तिक आर्यन और अलाया फर्नीचर वाला। ओ माय गॉड, कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर इज व्हाट, सुपर हिट मूवी। सुपर हिट, सुपर हिट मूवी है। ओके, क्योंकि कार्तिक को फर्स्ट टाइम जब हम देखे थे सोनू की टुट्टी की स्वीटी, तो लगा था नया बंदा है, कुछ खास नहीं रहेगा। बंदे ने वहाँ से लेके भूल भुलैया तक मैजिक ही मैजिक कर दिया अपने। मतलब जब भूल भुलैया का ट्रेलर आया था जी, तब हम देखने के टाइम पे ये बोले थे कहाँ अक्षय और कहाँ ये, ऐसे बोले। लेकिन मूवी देखने के टाइम पे, आई थिंक 2 घंटा 28 मिनट की मूवी है वो, मैं तीनों दिन फर्स्ट शो देखा मैंने, इतनी पसंद थी आई मेरे को मूवी। इतना भारी उसमें काम था, अक्षय की तो जरूरत ही नहीं थी। ओहो, मतलब इतना भारी काम था उनका। और फ्रेडी में सैटरडे संडे कंटिन्यू देखा, कंटिन्यू गेटी पे कंटिन्यू। उसके बाद भी जाना था लेकिन कुछ इशू हो गया था तो मैं नहीं गया। ओके, ये वाली फिल्म जो ओटीटी पे आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, आप ये भी मैंने दो बार देखी है। ये भी देख ली दो बार, रात में जाकर देखी, लेकिन दो बार देखी। क्या बात है, कार्तिक का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। वो जो घबराना और एकदम मैडली उनका जो परफॉर्मेंस है, वो फालूदे वाला सीन खास करके, जो चढ़ के वो एकदम प्रेशर में आके ऊपर नीचे करते रहते, और जब मर्डर करते उसके बाद जो डांस है, अरे बाप रे बाप, वो तो सीन देख के मेरे को ऐसा लगा क्या कर दूँ मैं भी। मतलब कार्तिक भाई एकदम, अभी तो और भी आगे शहजादा भी है, देखते हैं। फ्रेडी तो सुपर हिट मूवी है। ओके, एक्शन हीरो से बेहतर ही है, एक्शन हीरो से बेहतर है बोल रहे। मतलब कल जो दर्द उठा ना भाई जी, ये मलम निकला उसका। ओ, ये मलम निकला सही में। मैं तो अगर ये नहीं देख पाता ना, मैं अपने घर के बर्तन खुद धोने बैठता हूँ, बाजू वाले के भी धोता था। कार्तिक आर्यन तो पब्लिक का तो मलम बन ही गया, इंडस्ट्री का भी मलम बन गया। ऑब्वियसली, क्योंकि देखा जावे तो सिर्फ एक लव आजकल 2 थी मूवी, जो एक एवरेज हुई थी। वो भी पिक्चर अच्छी थी, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था उसका, सेकेंड हाफ में अच्छी थी मूवी, बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चली थी, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, लेकिन फिर भी कंप्लीट हो चुकी थी पूरी, मतलब बजट था पहुँच चुकी थी, एवरेज मूवी। बट लेकिन उसके बाद से फिर भूल भुलैया तो सब पूछो ही मत, ऐसे नेटफ्लिक्स पे धमाका लेके आए थे, वो भी जबरदस्त थी। ओके, अलाया के बारे में पूछना चाहूंगा, अलाया की दूसरी पिक्चर है अलाया फर्नीचर वाला जी, 4-5 साल बाद जवानी जाने मन, जवानी जाने मन 33% मैं आपकी बेटी हूँ उसमें सैफ को देखी थी, और इसमें इसको टोपा दी थी, लेकिन बंदे ने बाद में वो टोपा भी उसको वसूल कर दिया भाई। ओके, मतलब क्लाइमेक्स जो है ना, बहुत भारी क्लाइमेक्स है इसमें, क्लाइमेक्स बहुत भारी है। वो दांत को पूरे ऐसे करके जो बदला लेता है ना, वो होना भी चाहिए भाई। डेंटिस्ट दिखाया उसको। ओके, बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है और बहुत भारी मूवी है। मैं तो बोलूंगा एक बार भी नहीं, 5 बार भी देख लेंगे ना, कहीं बोर नहीं हो गया। क्या मैसेज क्या देने का कोशिश किया है डायरेक्टर ने? मैसेज तो एकदम नाइसली मैसेज है कि मतलब तुम किसी को कमज़ोर समझते हो, लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे देखा जाए तो कार्तिक को जो स्टार्टिंग में जो एक लड़की बताई है, वो जब इंट्रोड्यूस होता है उन लोग का, वो जल्दी चली जाती है कि मुझे ऑफिस का काम है, लेकिन एंड तक का समझ में आता है ये बंदा क्या है। ओके, और ये बॉक्स ऑफिस पे भी आती ना, तो ऑडियंस को भी बताता ना मैं क्या हूँ। क्या लगता है, थिएटर में लगनी चाहिए थी पिक्चर? थिएटर में लगनी चाहिए थी भाई, मतलब 2-3 हफ्ते जो दर्द लेके घूम रहे, कम से कम ये तो देख लेते भाई, पैसा वसूल तो होता। नेटफ्लिक्स पे तो खैर मैंने तो 199 में देख लिया, वही 199 के आ रहे हॉटस्टार पे। हॉटस्टार पे ये 1000 रुपये की भी टिकट होती ना, मैं देखता था जाके, इतनी परफॉर्मेंस, इतना भारी है कार्तिक आर्यन का। ओके, और कौन से कैरेक्टर्स है फिल्म में? और भी बहुत मैनी अदर्स, बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ कुछ लोगों का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस जो किया वो अलाया फर्नीचर वाला, देन कार्तिक आर्यन। कार्तिक पे तो था भाई, तुम तो भाई तुम्हारी बात ही अलग है। मतलब पसंद आई है आपको पिक्चर? बहुत रिकमेंडेड है, बोला है कि 5-6 बार देखो तो फिर भी बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे भाई, कार्तिक का परफॉर्मेंस एकदम मस्का है, मस्का। क्या बात है, हमारा मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब बहुत खुश हो गए
और कार्तिक आर्यन की पिक्चर देखी। अलाया फर्नीचर वाला के लिए इतना बोलूंगा, उनका नाम अलाया फर्नीचर वाला है, बाकी हीरोइंस ना उनके सामने कबाड़ खाना है क्या? उनका भी काम बहुत भारी है, एक्टर है, काम अच्छा करोगे तो हम अच्छा ही बोलेंगे। क्या हम बहुत बताया था मैंने कि बहुत मुश्किल से हम लोग आते हैं थिएटर में, बैठते हैं कि भाई मूवी अच्छी निकले, कि बहुत लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम होता है भाई, सबके होता है, मूवी क्यों देखते हम आगे के, थोड़ा चिल मारेंगे। अब ये यार इधर बैठो तो कभी भेड़िया दिख रहा है, कभी एक्शन हीरो दिख रहा है, कभी क्या, कभी फोन बूथ दिखा रहे, वो भी एक भयानक कॉमेडी। अरे क्या भयानक कॉमेडी, अरे बाप रे बाप, मतलब बॉलीवुड, मैं तो इतना क्रेज हूँ बॉलीवुड का, लेकिन ऐसी सी पिक्चर आएगी तो भाई फिर मेरे को साइन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा भाई मेरे को डाल चमचन में इंजन इंजेक्शन मार। नहीं 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 नहीं, देखेंगे अभी अगले साल में, काफ़ी उम्मीदें हैं हमको बॉलीवुड से। हमारे चैनल का नाम भी है बॉलीवुड प्रेमी, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब भाई, 5 में से कितने मिलेंगे फ्रेडी को? स्टार्स उसे 5 होते, बट मैं 10 दूंगा। 10 मिलेंगे, 10 जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर भाई एकदम, देखना तो जय माता दी, लेट्स रॉक। क्या बात है, चलिए थैंक यू फॉर ऑनेस्टी।